Good morning, class 11th. Students, we are on chapter number 14, movement of ocean water. And in the previous class, we have discussed the introductory part of this chapter and one topic also, which is wave. And now in this class, we are going to cover tides. So tides, हिंदी में ज्वार भाटा जैसे बोलते हैं. टाइड्स होती क्या है, कैसे आती हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं उसके रिस्पॉन्सिबल उसके लिए, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टाइड्स, वी विल डिस्कस इन दिस क्लास. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ टाइड. द पीरियडिकल राइज, कुछ पीरियड्स के अंदर पानी का राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल. समुद्र का जो तल है, मतलब ऐसा नहीं कि सारा का सारा पानी ही, समुद्र का जो सी लेवल है उसका राइज होना या फिर फॉल डाउन होना, वंस और ट्वाइस अ डे, दिन में एक या दो बार ऐसा होना, मतलब पानी का ऊपर आना फिर उसके बाद पानी का पीछे की तरफ जाना, ये क्या कहलाता है? ड्यू टू कैसे? अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून. इसकी वजह से, किसकी वजह से? सन और मून के अट्रैक्शन की वजह से पानी का ऊपर उठना और पानी का वापस लेवल में आ जाना या फिर फॉल डाउन होना, उसे हम क्या बोलते हैं? टाइड बोलते हैं. अगेन रिपीटिंग, द पीरियडिकल राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल वंस और ट्वाइस अ डे, दिन में एक बार या दो बार, ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून इज नोन एज और इज कॉल्ड अ टाइड. सन और मून के अट्रैक्शन की वजह से पानी का दिन में एक या दो बार राइज अप होना और फॉल डाउन होना क्या कहलाता है? टाइड कहलाता है. ठीक है, अब इसको हम एक डायग्राम के जरिए यहाँ से समझते हैं कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है, ये सी है, ये लैंड सरफेस एरिया. ठीक है, यहाँ पर दो पेड़ बना देते हैं. अब टाइड आता है तो ये वाला जो एरिया है वो कवर अप हो जाता है, जब टाइड वापस जाता है तो ये वाला जो एरिया है वापस उभर के आ जाता है. तो पानी का राइज अप होना और फॉल डाउन होना ऑफ द सी लेवल, ये क्या कहलाएगा? दिन में एक या दो बार, किसकी वजह से? अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून, टाइड कहलाता है. नाउ मूवमेंट ऑफ वाटर कॉज्ड बाय मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट्स जैसे विंड्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस कॉल्ड सर्जेस. सो यहाँ पर हम बोलेंगे कि मूवमेंट ऑफ वाटर, अगर पानी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, क्यों? हवा की वजह से. हवा भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है. प्रेशर, जैसे एटमॉस्फेयर प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, हवाएं किस जगह से, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, तो उस वजह से वाटर भी एक तरीके से मूव करेगा. ये जो सारी मूवमेंट ऑफ वाटर हैं इसे हम बोलते हैं सर्जेस. सर्जेस आर नॉट रेगुलर, सर्जेस रेगुलर नहीं है. कभी हाई टाइड हो गया, कभी हाई प्रेशर कहीं पर हो गया, कभी लो प्रेशर कहीं पर हो गया, तो रेगुलर नहीं होती सर्जेस. बट जो टाइड्स होते हैं, सन और मून तो दिन भर, मतलब अगर हम बोले सन रोज़ राइज होता है, रोज़ एक तरीके से सेट होता है, मून भी रोज़ निकलता है, ऐसा नहीं आज उसका मूड किया कि आज नहीं निकलना है. पर यहाँ पर बात की जा रही है सर्जेस डेली बेसिस पर नहीं होते हैं, आर नॉट रेगुलर लाइक टाइड्स. The study of tides is very complex, spatially and temporally, as it has great variations in frequency, magnitude and height. Now, अब अगर हम tide की formation की बात करें, किस तरीके से tide बनता है, so let's move over to our next paragraph. The moon's gravitational pull to a great extent and to a lesser extent to the sun's gravitational pull are the major causes of the occurrence of the tide. Sun और moon की gravitational pull की वजह से पानी को sun ने, ये रहा moon, उससे बड़ा क्या हो गया, ये earth पर जो water है उसको एक तरीके से अपनी तरफ खींचने वाला, gravity खींचती है. क्यों? Example देखेंगे, gravity अपनी तरफ खींच रही है. कैसे? अर्थ पर ग्रेविटी है, अगर कोई भी मैंने एक भी ऑब्जेक्ट नीचे गिराया या फिर मैंने अपने हाथ से रिलीज कर दिया तो वो क्या है? ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी, नीचे की तरफ खींचेगी. अब सन और मून की खुद की अट्रैक्शन कैसे, यहाँ पर डेफिनेशन में दिया था अट्रैक्शन, कौन सा अट्रैक्शन? ग्रेविटेशनल पुल वाला जो अट्रैक्शन है, ग्रेविटी, दोनों अपनी तरफ खींचते हैं इसके वाटर को, अपनी तरफ खींचेंगे तो पानी क्या है, उस साइड जाएगा. तो ग्रेविटेशनल पुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट टू अ लेसर एक्सटेंट द सन्स ग्रेविटेशनल पुल आर द मेजर कॉजेज ऑफ द मूवमेंट ऑफ
वाटर ग्रेविटेशनल सॉरी द मेजर कॉजेज ऑफ द अकरेंस ऑफ टाइड, इस वजह से ग्रेविटेशनल पुल के वजह से टाइड आते हैं. अदर फैक्टर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है. सो द अदर फैक्टर, क्या अनदर फैक्टर है? द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज द फोर्स दैट एक्ट्स टू काउंटर बैलेंस द ग्रेविटी. अब सारा का सारा पानी अगर खींच लिया, उसके पीछे अगर हम लोग काउंटर बैलेंस नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? जैसे अगर मैंने कोई चीज़ को घुमा रही हूँ, ठीक है, तो क्या है, बाहर जाने के लिए रेडी होगी, बाहर जाने के लिए रेडी होगी. जैसे यहाँ से मून की ग्रेविटी पानी को खींचे जा रही है, पानी को खींचे जा रही है, उसके जस्ट अपोजिट क्या है, एक तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है जो कि काउंटर बैलेंस बनाए रखती है. सारा का सारा पानी उधर, हमने क्या बनाया, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है जो कि एक काउंटर बैलेंस बनाए रखता है ग्रेविटी का, ग्रेविटेशनल फोर्स का. टुगेदर द ग्रेविटेशनल पुल एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग टू मेजर टाइड बुल्जेस. मतलब जो उभार आता है, बुल्ज आ गया इस साइड, तो मून के अट्रैक्शन की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से पानी इधर खींचे जा रहा है, और दूसरी साइड जो पानी खींच रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से खींच रहा है जो कि एक बैलेंस बनाए रख रहा है. सारा सानी पानी इधर चला जाएगा तो क्या है, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरीके से पानी को बल्ज कर रहा है, और इस तरीके से मून का अट्रैक्शन और वी कैन से दैट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन पानी को अपनी तरफ बल्ज आउट कर रहा है. अब ये क्या है, दो मेजर टाइड बल्जेस हो जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो हाई टाइड आ जाता है यहाँ पर. ऑन द अदर साइड फेसिंग द मून द टाइड बल्जेस अकर वाइल ऑन द अपोजिट साइड थ्रू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द मून is less as it is farther away. The centrifugal force causes tide bulges on the other side. आप लोगों की बुक के अंदर फिगर्स के फिगर्स में आप लोग देख सकते हो, फर्स्ट फिगर में ग्रेविटेशनल फोर्स ने मून को अपने मून के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने पानी को अपनी तरफ खींचा, ठीक है, टाइडल बल्ज आया. आप लोग डायग्राम अपने बुक के अंदर देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर भी देख सकते हैं. तो एक बल्ज आता है, एक खिंचाव आता है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है किसका, मून का, ठीक है. तो जो पानी है वो किस तरफ खींचेगा, इस तरफ खींचेगा. अब दूसरी डायग्राम में आप लोग देखेंगे जो टाइडल बल्ज है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ जो कि एक तरीके से काउंटर बैलेंस कर रहा है अर्थ ग्रेविटी को, ठीक है. तो नीचे और थर्ड डायग्राम में ये डायग्राम है जिसमें दोनों के बल्जेस को दिखाया गया है अपोजिट डायरेक्शन में, पहला ग्रेविटी की वजह से, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ की वजह से टाइड्स आते हैं. नाउ द टाइड जनरेटिंग फोर्स इज इन डिफरेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस. पहला द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ नियरेस्ट टू द मून. पुल और अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द मून इज ग्रेटर दैन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सो देयर इज अ नेट फोर्स कॉजिंग द बल्ज टूवर्ड्स द मून. अब मून की जो अट्रैक्शन पावर है, मून ज़्यादा क्लोज है अर्थ के, तो मून की जो ग्रेविटेशनल पावर है वो ज़्यादा होती है, इस वजह से जो यहाँ पर बल्ज है वो ज़्यादा आता है. द अट्रैक्टिव फोर्स अगर हम बात करें अपोजिट साइड में ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो कम होती है, यहाँ अट्रैक्शन पावर ज़्यादा है मून की. तो अट्रैक्टिव फोर्स इज लेस एज द फादर अवे फ्रॉम द मून द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डोमिनेंट. क्योंकि ये एरिया मून के ज़्यादा पास है, यहाँ पर बल्जे ज़्यादा होंगे, वो बिल्कुल अपोजिट भी है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रही, इस वजह से यहाँ पर आपको जो पावर है, जो फोर्स है वो कम देखने को मिलेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम डोमिनेटेड होती है. नाउ हेंस देयर इज अ नेट फोर्स अवे फ्रॉम द मून ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. द हॉरिजोंटल टाइड जनरेटिंग फोर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन द वर्टिकल फोर्सेज जनरेटिंग द टाइडल बल्जेस. तो हम लोग ये देख सकते हैं कि हॉरिजोंटल जो टाइड फोर्सेज है, हॉरिजोंटल टाइड जनरेटिंग फोर्सेज मोर इम्पॉर्टेंट हैं वर्टिकल फोर्स जनरेटिंग इन द टाइडल बल्जेस. तो यहाँ पर हम लोगों ने मून की अट्रैक्शन फोर्स देखी, उसके बाद हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखा, कौन ज़्यादा पावरफुल है, क्यों ज़्यादा पावरफुल है, दैट वी हैव डिस्कस द डायग्राम ऑल्सो. नाउ द टाइडल बल्जेस ऑन द वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्स हैव ग्रेटर हाइट. जहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्स बड़ी होती हैं,
स्लोप शेल्स बड़े होते हैं, जहाँ पर वहाँ पर जो टाइड्स होती हैं वो ज़्यादा ऊंची आती है। व्हेन टाइड बल्जेस हिट द मिड ओशनिक आइलैंड्स दे बिकम ब्लू, और जैसे कोई ऑब्स्ट्रक्शन टाइड के सामने आ जाता है वो क्या हो जाती हैं, वो कम हो जाती हैं, उनकी जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। द शेप ऑफ बेज एंड एस्चुरीज अलोंग द कोस्ट लाइन कैन ऑल्सो मैग्नीफाई द इंटेंसिटी ऑफ टाइड्स, जैसे जो खाड़ी होती हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल की खाड़ी अगर हम नाम लें या फिर कोई भी मेक्सिको की खाड़ी के नाम लें, तो उनकी जो शेप है ना वो टाइड्स की वजह से भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर टाइड आपकी बहुत ज़्यादा हाई टाइड आती है तो उसकी शेप अलग से होगी, बल्कि आपकी कम टाइड आती है तो उनकी शेप अलग होगी। तो जो शेप है वो डिसाइड करेगी किस तरीके की टाइड्स आपकी आती हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया गया, फनल शेप बेस ग्रेटली चेंज टाइडल मैग्नीट्यूड्स, व्हेन द टाइड इज चैनल्ड बिटवीन आइलैंड्स और इनटू बेस एंड एश्यूरीज दे कॉल्ड टाइडल करेंट्स, जब वो उनके बीच में से जाते हैं तब उन्हें टाइडल करेंट्स बोला जाता है।